इस वक्त हम सीतामढ़ी शहर के जो रिहायशी इलाके हैं वहां खड़े हैं, और ये जो इलाका है यहाँ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और अन्य जो कहें तो यह वीआईपी इलाका है, और इसकी ये स्थिति है जहाँ अभी नगर निगम के द्वारा मोटर पंप लगा के पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन कल तक जो यहाँ का हालात था वह कमर भर पानी की स्थिति थी। लोगों के घरों में अभी तक पानी घुसा हुआ है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की परेशानी इनको होती है, कब से यह परेशानी है और क्यों हो रही है, क्यों यह परेशानी होती है। सर, ये परेशानी चूंकि लोग बहुत पहले मकान बनाए 20-25 साल पहले, और ये लो लाइन था, ये तस्तरी नुमा है। तस्तरी नुमा में चारों ओर की पानी, चाहे सोनावती कॉलोनी हो या खिलाफत बाग हो या राजोपति के तरफ से, सारा पानी इसी जगह इकट्ठा होता है। और हर साल और साल के 3-4 महीने यहाँ के नागरिक जो हैं वो जिल्लत की जिंदगी जीते हैं, और काफी माने इस पानी से काफी पीड़ित लोग हैं। बाजार जाने आने में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाती हैं, और जो महिलाएं कामगार महिलाएं हैं मालिक संकुचित होकर के और अपना साड़ी हो या पिजामा हो या जो कपड़ा पहनती है उठाकर चलती है, शर्मिंदगी महसूस होता तो है। कारण क्या है इसका? कारण लो लैंड है और नाली नहीं होने के कारण का है। नाली यदि हो जाए, ये समतल भूमि पर भी नाली बना करके यदि नाली से ज्वाइंट करा करके पूरब की ओर पानी निकाल दिया जाए तो रेलवे के जमीन में पानी चली जाती है और पानी समाप्त हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन है, क्यों, क्या यहाँ के लोगों के द्वारा आवाज उठाया गया? देखिए, अब जिम्मेवार तो चूंकि प्रशासन के लोग को माना ही जा सकता है, लेकिन चूंकि अब बाढ़ की ऐसी समस्या आप देख रहे होंगे कि अभी नदियों में उफान है, चाहे कोसी हो, बागमती हो, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ बाढ़ आ जाती है। लेकिन वो बाढ़ का पानी है, और यह तो जल जमाव है, ये तो वर्षा का पानी है, इसको तो नगर परिषद निकाल ही सकता है, स्टर्म वाटर ड्रेनेज से निकाल सकता है, पंपिंग सेट लगा करके निकाला जा रहा है, लेकिन पानी निकल जाता है और फिर बारिश होने पर पानी जमा हो जाता है, ये तो दुखदायी है, और बिना नालीकरण का ये नहीं हो सकता है। सब शुरू होता है होली तक, समझिए यहाँ नरकीय स्थिति है। अरे जून से स्टार्ट हुआ, मार्च तक समझिए कि यहाँ पानी जमाव का स्थिति ये है कि हम लोग गाड़ी घोड़ा रखे हुए हैं फिर भी हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, और मार्च अप्रैल तक यही स्थिति रहे। हम लोग मतलब बहुत बुरी तरीके से जो है यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चा को पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अब क्या बताएं कि स्कूल ड्रेस पहनने के बाद भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। बहुत दयनीय स्थिति है रघुनाथपुरी का। प्रॉब्लम तो यही है कि देखिए कि घर घर में पानी घुसा हुआ है, आप लोग भी आए हैं तो देखे ही होइएगा कि क्या स्थिति है, घर से पानी नहीं निकल रहा है। चार चक्का वाहन है लेकिन समझिए कि वो नहीं चल रहा है, गड्ढा में गिर जा रहा है चक्का सब, बाइक एक सहारा है तो रोड इतना ऊबर खाबर हो गया है कि उसमें हर बाइक वाले का एक्सीडेंट होना जरूरी है, निश्चित ही हो रहा है, पैदल चलने वाले का तो समझिए कि कितने का पैर डैमेज हो गया। वो तो आप देख ही रहे हैं, आपको तो कैमरा में भी नजर आ रहा है, माने स्थिति तो यही है जो यहाँ से घर से लोग नहीं निकल सकता है। कारण क्या है? कारण तो आप नेग्लिजेंसी है नगर परिषद का, कारण ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ से थोड़े ये हमको लगता है जो 10 वर्ष लगभग, मतलब जो स्थिति है देख रहे हैं कि महिलाओं को भी घुटनों से ऊपर करके कपड़ा उठा के जाना पड़ता है, और जो स्थिति है उसको मैंने दिखाया है, स्थानीय लोगों से बात कराया है। भरत चौबे, न्यूज 18 लोकल, सीतामढ़ी।